अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं वजाहत भाई के साथ हूं और वजाहत भाई एक मज़े की कहानी सुना रहे थे। जी वजाहत जी, तो मैं असल में बता ही रहा था कि रेहान साहब ने आज हमारे साथ वो मामला किया है कि हमारे ससुर साहब ने एक वाक़ा सुनाया था काफ़ी अर्से पहले। उन्होंने अपने एक दोस्त का हवाला दे के बताया था कि वो उनके साथ जॉब करते थे और उनको कुछ फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट थी किसी टाइम पर। तो जो उनके साहब थे दोस्त, उनके एक और दोस्त ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, मेरे साथ जमात खाने चले चलें, प्रिंस करीम आगा खान साहब जो हैं वो यहाँ पर विज़िट पर हैं, तो मैं आपकी उनसे मुलाकात रखा देता हूँ एक से डेढ़ मिनट की, इससे ज़्यादा तो वक्त आपको दे नहीं सकेंगे। तो इस बात पर तय करके वो उनको उनके साथ उनके जमात खाने लेकर चले गए। अब उनकी बारी जब आई तो उनको लेकर उनके जो चीफ होते हैं कामड़िया कहलाते हैं वो लेकर उनके अंदर गए और अंदर ले आके बैठा दिया कि आप अपने वक्त इंतज़ार करें। तो उनकी जो पूरी काउंसिल थी उनके उस वक्त आपस में गुफ्तगू वगैरह चल रही। उनकी जब बारी आई डेढ़ मिनट की, एक मिनट की, तो उन्होंने कहा कि जी बताएं आपका क्या मसला। उन्होंने अपना एक मिनट में, डेढ़ मिनट में मसला बताया कि जी इस तरीके से घर में बच्ची की शादी का मामला है और कुछ फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट है। तो डेढ़ मिनट तक उन्होंने उनकी बात सुनी और वो चाय पी रहे थे, उन्होंने चाय का कप आधा छोड़ा और वहाँ से उठा और उठ के चले गए। उनके दिल में तो बड़ा ख्याल आया कि यार मैंने इनसे बात की, कम से कम कुछ नहीं कहते, नहीं कर सकता तो आधी अधूरी चाय तो मुझे छोड़ के ना जाते। तो वो